आरसीबी ने लगाया जीता का पंजा, दिल्ली को हराकर प्लेऑफ की तरफ बढ़ाई कदम। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम 140 रन ही बना सकी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2024 के 62वें मुकाबले में 47 रन से हरा दिया है। फाफ डुप्लेसी के नेतृत्व में बेंगलुरु की टीम ने लगातार पांचवा मैच जीता है। इस हार के साथ दिल्ली के प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है, जबकि आरसीबी लगातार पांच जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। बेंगलुरु ने रविवार को पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 187 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली की टीम 19.1 ओवर में 140 रन ही बना सकी। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने पावर प्ले के अंदर ही 4 विकेट गवाई। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए। वह लंबे समय बाद चोट से वापसी कर रहे थे और सिर्फ 1 रन ही बना सके। अभिषेक पौरेल ने 2 रन का योगदान दिया। फ्रेजर ने 8 गेंद में ताबड़तोड़ 23 रन बनाए, हालांकि वह रन आउट हो गए। कुमार कुशाग्र 2 और शाही हो 23 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 187 रन बनाए हैं। बेंगलुरु की ओर से रजत पाटीदार ने सर्वाधिक 52 रन बनाए। दिल्ली के लिए खलील अहमद और राशिक ने 2-2 विकेट लिए। बेंगलुरु की टीम बिना बदलाव के उतरी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने तीसरे ओवर में कप्तान फाफ डुप्लेसी का विकेट गंवाया। वह 7 गेंद में 6 रन ही बना सके। विराट कोहली 13 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हुए। रजत पाटीदार ने जारी सीजन का 5वां अर्धशतक लगाया। वह 52 रन पर आउट हुए। विल जैक ने 41 रन बनाए।